तो दोस्तों, क्या आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं या कुछ आपको ऐसा साइज चाहिए फोटो का, सिग्नेचर का, या किसी डॉक्यूमेंट का जो आप जो है नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी रिजल्ट टूल्स की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल की वेबसाइट, आपको इसको खोलना है अपने मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप पे भी खोल सकते हैं। सरकारी रिजल्ट टूल्स खोलने के बाद अगर आपको किसी भी इमेज का, सिग्नेचर का या डॉक्यूमेंट का रिसाइज करना है, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है जिस पे लिखा हुआ है इमेज रिसाइजर, आपको इस पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको अपना जो फोटो है या डॉक्यूमेंट या मार्कशीट जिसको भी रिसाइज करना है, आपको उस पे क्लिक करना है। मैंने देख सकते हैं अपना जो कुंडली है, मैं इसको रिसाइज करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे इसको अपलोड कर दिया है। जैसे अपलोड करेंगे तो उसका एक्चुअल साइज आ जाएगा, यानी कि उसका करंट साइज जो है वो यहां पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी साइज इसको सेट करना हो, मान लीजिए आपको उसका साइज कम करना है, तो ये मैं इसको जो है 200 कर देता हूं। हाइट कम करना है तो हाइट भी कम कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा करना है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। फाइल का फॉर्मेट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का टूल्स है। अगर आपको ये फाइल समझ में नहीं आ रही है, दूसरी अपलोड करनी है, तो यहां से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद रिसाइज करना है, रिसाइज करने के बाद डाउनलोड इमेज में क्लिक करना और आपकी फाइल जो डाउनलोड हो जाएगी आपके साइज पे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको भी रिसाइज करने में दिक्कत आती है तो सरकारी रिजल्ट टूल्स का इस्तेमाल कीजिएगा। और भी कमाल के टूल्स है इसमें, जैसे कि जेपीजी से पीडीएफ है, आप फोटो पे जो नाम और डेट लिख सकते हैं, फोटो सिग्नेचर को जोड़ सकते हैं, एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिज्यूम सीवी बना सकते हैं, तमाम तरीके के ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।